किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 11 आरोपियों में से 6 को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और 5 को बरी कर दिया है। धोखाधड़ी का यह मामला 2019 का है, जिसमें अनाज मंडी करोत के व्यापारी आशीष गुप्ता और उसके साथियों ने किसानों से 5,76,00,000 की धान खरीदी और उन्हें फर्जी चेक दे दिया। किसानों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने 121 गवाहों की गवाही के बाद आरोपियों को यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन 11 आरोपियों में से 6 को 7 साल की सजा सुनाई, जिन्होंने गांव-गांव जाकर 95 किसानों से 5,76,00,000 की धान खरीदी और उन्हें धान के भुगतान के नाम पर फर्जी चेक दे दिए थे। कोर्ट ने इन आरोपियों पर 7 साल की सजा के साथ ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2019 का है, जिसमें आरोपी आशीष गुप्ता और उसके साथी नए प्रकाश पटेरिया, राजेश राय, रामस्वरूप राय, महेश अग्रवाल, सुनील गुप्ता, अरविंद परिहार, जीवन सिंह राजपूत, नारायण प्रसाद राजौरिया, रंजीत गोस्वामी, धर्मेंद्र गुप्ता ने धान तो खरीद ली, लेकिन फर्जी चेक देकर किसानों के भरोसे को तोड़ दिया। इन आरोपियों पर किसानों ने केस दर्ज करा दिया था। जांच के बाद कोर्ट ने 121 गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।